इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। सूरजपुर थाना क्षेत्र के रावजी का हाटा में शुक्रवार सुबह माहौल गर्मा गया। जानकारी के अनुसार रावजी का हाटा क्षेत्र में स्थित मीठा राम जी मंदिर के सामने बने मंदिर में कुछ युवकों द्वारा मंदिर परिसर में ही शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्रवासी मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए और हंगामा कर दिया। क्षेत्रवासियों ने मीठा राम मंदिर के महंत अर्पिता दास के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि इस मंदिर में पहले भी कई बार शराब और मांस मदिरा का सेवन करने की सूचना मिली है और इसको लेकर महंत को कई बार चेताया भी था, लेकिन महंत ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मामला गर्माते देख सूरजपुर और घंटागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब पार्टी के वीडियो में दिख रहे युवकों में से एक युवक को गिरफ्तार कर सूरजपुर थाना पुलिस ले गई। वहीं शराब पार्टी में मौजूद अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। इस मामले को लेकर मीठाराम मंदिर की महंत हर्षिता दास ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह करीब एक महीने पुराना है और इस मंदिर के ऊपर बने मकान का कोर्ट केस चल रहा था, जिसका गुरुवार को ही कोर्ट से तामिल करवाया गया था। इसे को लेकर मकान के कब्जेदार गोविंद वैष्णव ने ये वीडियो वायरल किया है। पूर्व पार्षद फतेह सिंह ने बताया कि मंदिर की हर्षिता दास और पुलिस प्रशासन को भी कई बार इस बात से अवगत करवाया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भविष्य में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एक दुकान या एक मंदिर में 10-10, 20-20 जने भरे रहते हैं, रात को रोज दारू शराब मांस मछली का सेवन करते हैं। इसलिए अभी मोहल्ले के लोगों ने मेरे को मैसेज करा और मैं यहाँ आया हूँ। अभी महन जी से भी हमने बात करी है और माननीय एडिशनल SP साहब और इन लोगों से भी हमने बात करी है और पुलिस आई है। अभी एक जने को तो गिरफ्तार करके ले गए। इसलिए हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ऊपर स्तर तक पहुँचे और ये जो खासकर धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं इनको भी मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, ऐसे लोगों को किराए नहीं दे। आज रात दिन ये कम से कम 50 लोग हैं बाहर जो खड़े लगी हुए हैं, ये केवल अंडरवियर में घूमते हैं और रावजी अठा जो हेमराजी के अखाड़े के सामने और मैन यहाँ की बहन बेटी है बच्चे आती रहती हैं खड़े होके पेशाब करना, मतलब ये लोग कल कुछ घटना अगर घट जाती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर कुछ घटना घटी तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। ऐसा ये तो घटना पुरानी है, हम बाहर गए हुए थे और पहले कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल में ये लोगों को अचानक लॉकडाउन होने से इनका सामान हमने अंदर रखवाया हुआ था। मैं बाहर गई तो मैंने बोला वह ठीक है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया हम लोग आए हुए हैं और सामान निकालना है, मैंने कहा ठीक है ले लो मंदिर के अंदर से। तो इन्होंने कहा हमारे को दुकान, मैंने कहा दुकान तो मैं आने पे दूंगी, परसों आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला अभी हम यही है, मैंने कहा ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमारे को ऐसा कुछ हो जाए। बोले नहीं नहीं हम तो खाते पीते हैं ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को उसी रात को मेरे को फ़ोन आ गया, मैंने इसको दूसरे दिन आके इनको हटा दिया यहाँ से, इनका सामान निकाल दिया था। तो ये घटना तो एक महीना दो महीना पहले की है, अभी की घटना नहीं, और वो लोग अभी कोई भी अंदर नहीं रह रहा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, राष्ट्रीय महाकाल सेना मेवाड़ उपाध्यक्ष। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, काफ़ी सालों से यहाँ बाहर के कुछ लोग रहते हैं, मंदिर के अंदर मीट मच्छी और दारू का सेवन करते हैं। आम यहाँ की लेडीज़ वगैरह निकलती है, बहुत परेशान है। और महंत यहाँ के जो है अंदर मंदिर के अंदर, उन्होंने ये सब किराए पे दे रखा है, तो पहले भी प्रॉपर्टियाँ बेच चुके हैं, ये उदय सागर की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, 100 फीट रोड की प्रॉपर्टी बेच दी है। ये कि इन्होंने ऐसा एक जाल पेचा रखा बना रखा है, यहाँ सब किराए पे दे रखा है और ऐसा माहौल खराब कर रखा है। अंदर आज आप देखें तो पुरानी मूर्तियाँ सब गायब है मंदिर की, और अगर कोई बोलने जाता है तो उसके खिलाफ बाते आते हैं। तो आज पूरे मोहल्ले की पब्लिक इकट्ठे होते हुए फतेह सिंह जी भाई साहब साथ में, फतेह सिंह जी भाई साहब भी थे, सभी लोग मिल के आज इन्होंने एक संगठन इकट्ठा करके इस मंदिर के खिलाफ अंदर गए, महात्मा से मिले और हमने थाने सूरजपुर थाने के अंदर रिपोर्ट भी की है इसकी। और इसमें हम यही चाहते हैं मीडिया के थ्रू और प्रशासन के थ्रू इस पर आगे कार्रवाई हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर।